का न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 5 साल में कांग्रेस के शासन से जनता परेशान हो चुकी है और ऐसे में इस बार जनता ने राजस्थान में कमल खिलाने का मन बना लिया था। नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, जो सांसद भी हैं चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं, 25 तारीख को मतदान हो गया, अब सबको इंतजार है 3 तारीख का, जब परिणाम आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज वो हमारे साथ में हैं। सीपी जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो मतदान हुआ है, कैंपेन वो पूरा आपने संभाला, क्या आकलन निकल करके सामने आ रहा है आपका? देखिए, मेरे साथ सभी वरिष्ठ नेता और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और उन्हीं इस बड़े परिवार का मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते सब मिल के काम कर रहे थे और मैं उन सब के विश्वास पर और जनता का जो आशीर्वाद मिला उसके आधार पर कह सकता हूँ कि इस बार बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उसके पीछे कारण है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में जनता का अटूट विश्वास और कांग्रेस की भ्रष्टाचार, माफिया राज, पेपर लीक, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाना, कानून व्यवस्था, किसानों के साथ वादा खिलाफी, युवाओं के साथ धोखा, ये सारे विषय भी जनता के जहन में थे कि जो वादा करके फिर सत्ता में बैठने के बाद भूल जाते हैं और 5 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के अलावा और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया, तो जनता ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और विश्वास मोदी जी में इसलिए था कि असंभव को भी संभव कर दिखाया 9.5 वर्षों में। लोगों को विश्वास है कि जिस व्यक्ति ने 60 साल में कोई नहीं कर पाया, उससे ज़्यादा गरीब कल्याण का काम, इस देश को उन्नति के लिए काम, हर सेक्टर में डेवलपमेंट का काम, चाहे नारी की सशक्तिकरण का काम हो, चाहे युवाओं के रोजगार का काम हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे हाईवेज में हो, सिविल एविएशन में हो, आईटी सेक्टर में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, हर सेक्टर में जो काम हुआ वो 60 वर्ष की तुलना लोग 9.5 वर्ष से करते हैं और 9.5 वर्ष उन पर भारी दिखाई देते हैं। ये अटूट विश्वास लोगों में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति था। अब ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं और जो राजस्थान में मतदान हुआ है वो भी ऐतिहासिक ही हुआ है, इस ट्रेंड को क्या समझते हैं, आपका क्या लगेगा? अब ये देखिए, 2000 हम ज़्यादा पहले नहीं जाएं, 2013, 2018 और 2023 का मिले उठा के देखें तो 2013 में 75+ किया था, 2018 में 74+ किया था और ये फिर इतिहास दोहरा रहा है 2023 में 75+ पोल हुआ है। और मैं 2019 का नज़ारा देख रहा था, जैसे लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर से सीधे निकले, मतदान केंद्र पर गए, अपना वोट डाला और सीधे घर आ गए, अपने साधन से गए, अपने साधन से आए, वो ही नज़ारा मैंने इस 2023 के चुनाव में देखा था। और जब लोगों को निकलने के बाद कई लोगों ने पूछा किसको वोट दिया, कि हमने मोदी जी को वोट दिया, हमने राष्ट्रवाद को वोट दिया, तो ये जो भावना थी लोगों की, ये अटूट विश्वास जो था देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, पार्टी के प्रति, ये उस विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एक बड़े बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, मुख्यमंत्री जी 156 का दावा कर रहे थे कि 156 सीटों पर जीत करके आएंगे, कोई फिगर जो है आप भी बता सकते हैं कि इतने फिगर पे हम लोग निकल कर गए? नहीं, 156 से ज़्यादा आएगी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी जी। अशोक गहलोत जी, मैं आज फिर, आज 3 तारीख को मेरा आपकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, 50 के अंदर कांग्रेस पार्टी रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रति जनता का गुस्सा था, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, किसान हो, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर वर्ग में गुस्सा था कि सरकार ने 5 साल में सिर्फ और नारे और वादे और झांसे दिए, सिर्फ हॉर्डिंग विज्ञापन की सरकार रही, इसके अलावा कोई काम नहीं किया, कोई धरातल पर काम नहीं किया और भ्रष्टाचार का तो तांडव मचा दिया, तुष्टिकरण चरम पर पहुंचा दिया,
इसको राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप राजस्थान को राजस्थान में तालिबानी राज जैसे फरमान जारी कर रहे हो, इसलिए जन जन के मुंह पे आ गया ये मुगलिया सल्तनत है, इस मुगलिया सल्तनत की विदाई कर। आपका ये जो मुगलिया सल्तनत वाला जो शब्द है काफी पॉपुलर रहा है, जो भी पूरा कैंपेन रहा भारतीय जनता पार्टी का आपने दिया, तो क्या राजस्थान में इस तरह का है माहौल? मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि भावनाएं भड़का रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कल भी एक बयान आया उनका कि भावना भड़का करके वोट देने की कोशिश। ये काम आपने किया 5 सालों में, एक बहुत बड़े वर्ग को आपने प्रताड़ित किया। आप कैसे कर सकते हैं कि एक त्यौहार पर आप 24 घंटे बिजली दोगे और दूसरे त्यौहार पर आप चिंता नहीं करोगे? ये कैसे राजस्थान बर्दाश्त कर सकता है कि आप PFI जैसे आतंकवादी संगठन को कार्यक्रम करने की अनुमति दोगे और हिंदू नववर्ष और रामनवमी पर आप प्रतिबंध लगाओगे? ये कैसे संभव है कि ताजियों पर DJ बजेगा और रामरेवाड़ी निकली गए उस पर DJ नहीं बजेगा? ये राजस्थान कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि प्रभु श्री राम का नारे लगाने वाले करौली में उनके वह FIR लॉज हो जाएगी? उदयपुर में जिस भगवा पताका को लेकर मुगलों को परास्त किया, वहाँ भगवा पताका लगाने पर प्रतिबंध हो जाए? वो राम दरबार को बुलडोजर से तोड़ना, वो शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ना, है राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप जयपुर में देखिए, आप मालपुरा में देखिए, कितना लोगों का पलायन हुआ है, उसके पीछे कहीं कहीं सरकार की कमजोरी है और कहीं कहीं शासन और प्रशासन में बैठे लोगों का उन लोगों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, उनको संरक्षण था, इसी कारण हिंदुओं का पलायन हुआ। आज यहाँ की 3 विधानसभा ऐसी है जहाँ 5 लोग लटक के जा रहे हैं, उनके ऊपर चालान नहीं बनता, और दूसरी तरफ आप कोई भी बिना हेलमेट के जाते हैं, 2 लोग जा रहे हैं, उनका चालान हो जाता है। तो ये अंतर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैंपेन की बात करें तो सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से केवल गारंटियों के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। आपका जो कैंपेन था पूरा हिंदुत्व सनातन और इसके ऊपर आधारित रहा है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, वो भी एक पक्ष था हमारा, लेकिन हमने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमेशा इनकी गारंटी थी 2018 में हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, क्या वो कर पाए क्या? इन्होंने गारंटी दी हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या वो कर पाए क्या? इन्होंने गारंटी दी थी 5 साल के हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, क्या वो कर पाए क्या? इन्होंने गारंटी दी हम सुशासन लेके आएंगे, लेकिन यहाँ महिलाएं बच्चों के हालात क्या हो गए, राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार 5 सालों में होते देखा है। इन्होंने गारंटी की हम महंगाई को कम करेंगे, आप सबसे महंगा डीजल राजस्थान में, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे ज़्यादा व्हीकल टैक्स राजस्थान में, तो कैसे आपकी गारंटी को आपने ही फेल किया है? और अंतिम 6 महीने में आप कहोगे कि हम ये गारंटी दे रहे हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इन्होंने कहा कि हम 1,40,00,000 महिलाओं को मोबाइल देंगे, फिर आए हम 40,00,000 दे पाएंगे, दिए 17,00,000, फिर का जो 15 अगस्त 2023 को अलाउंस किया कि हम बाकी को गारंटी कार्ड देंगे, नहीं दिया तो कोई कोर्ट में गए, कोर्ट 2 पेशी में नहीं गए, 3री पेशी में कोर्ट ने कहा कि आप कहाँ से दोगे, क्या आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है? तो कोर्ट में लिखित में दिया हमारा कोई प्लान नहीं है, हम कोई गारंटी कार्ड नहीं देने वाले। तो इनकी हकीकत यह है, तो जनता जो जिनकी आप गारंटी दे रहे हो वो नहीं कर पा रहे, तो जनता आपकी गारंटी कैसे मानेगी? हिमाचल में एक मुद्दा छाया हुआ था OPS का, लेकिन राजस्थान के अंदर कोई एक इशू नहीं बन पाया बड़ा। OPS बनाने की कोशिश करी थी कांग्रेस से पूरा कि OPS एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा, लगता है कुछ असर आएगा इस चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव में कुछ इश्यूज लेके आती है और उसके बाद भूल जाती है। आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ OPS का, क्या वो लागू कर पाए क्या? क्या कर्नाटक में जो वादे किए थे इन्होंने चुनाव के समय, क्या उन पर अमल कर पाया गया? वहाँ के बिजली के हालात क्या हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? तो वो जनता, इनके हालात, इनकी जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ गया कि कांग्रेस सिर्फ चुनावी वादे करती है और चुनाव में सत्ता में काबिज होने के बाद वो सारी चीज़ें भूल जाती है, फिर सत्ता सुख भोगने का काम करते हैं। 5 सालों में आप देखिए, अन्नपूर्णा योजना लास्ट के समय पर लेकर आए, क्या ये कोविड के समय या 2018 में जब मुख्यमंत्री बने तब से शुरू नहीं करना था? आपको लास्ट के 4-5 महीनों में अन्नपूर्णा दे रहे हैं और उसमें भी मिलावटी सामान, भ्रष्टाचार, उसमें भी गरीब के अनाज में भी जो भ्रष्टाचारी वहां भी नहीं छोड़े, बच्चों के पोषाहार में भी जो चोर वहां भी डाका डाले, उसको कौन बर्दाश्त करेगा राजस्थान में?
आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति चेंज करते हुए कोई फेस नहीं रखा, केवल मोदी जी के फेस के ऊपर, कमल के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा है, तो क्या ये गुटबाजी रोकने के लिए, क्या अब इसका कुछ लग रहा है आपको कि फायदा मिला है या इससे के, क्योंकि लोगों में चर्चा है कि अगर एक फेस रखते तो सीधा और ज़्यादा पार्टी उससे लड़ सकती है। देखिए, राजस्थान कोई पहला प्रदेश नहीं है जहाँ, राजस्थान में पहली बार हुआ है, मैंने नहीं, राजस्थान कोई पहला प्रदेश नहीं है जहाँ बिना चेहरे के चुनाव लड़े। डेढ़ वर्ष पहले, इससे ज़्यादा हो गया होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्णय हो गया कि किसी भी प्रदेश में बिना चेहरे के आधार पर, आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर, भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हिमाचल चुनाव हो गया, कर्नाटक चुनाव हो गया, गुजरात चुनाव हो गया, वहाँ बिना फेस के चुनाव लड़े हैं। गुजरात में बिना फैस के चुनाव लड़े और प्रचंड बहुमत से वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है, और यहाँ भी कमल का निशान प्रमुख रखकर और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव हुआ है, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से राजस्थान की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है। लोग तो मुख्यमंत्री जी को जादूगर कहते हैं, तो आपको बड़ा जादूगर मानेंगे जो सबको एकजुट रख करके आपने चुनाव लड़ लिया? नहीं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता की तरह मैं काम करता रहा, सारे सीनियर वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन लेकर, सभी, मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस काम को हम लोग अमलीजामा पहनाने के लिए सब लोग जुटे रहे। अकेला एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टीम राजस्थान मिलकर, राजस्थान के प्रत्येक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता ने, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी तक, सब लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे श्रम और परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को इस स्थान तक पहुंचाने का काम किया है। आपको बड़ा शालीन और उसमें माना जाता है कि बहुत ही कूल जो है उसमें रहते हैं, तो एक नेता की दिनचर्या भी हर आदमी जानना चाहता है, आपका क्या रहता है सुबह से शाम तक का रूटीन? लोग कहते हैं कि काफ़ी पूजा पाठ और उसमें व्यस्त रहते हैं सीपी जोशी जी। देखिए, धर्म राजनीति में धर्म नहीं हो तो दिशा भटक जाती है, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं सनातनी हूँ तो बालाजी का आशीर्वाद लेकर अपने काम की शुरुआत करता हूँ। मैं माला साफा भी नहीं पहनता हूँ, इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, मेरा कोई नारा नहीं लगाए, क्योंकि मैं भी उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं इतना बड़ा नहीं कि इतने सीनियर लोगों के सामने मेरा कोई नारा लगाए। तो मैं, हमने इन चीज़ों को रोकने का प्रयास किया है, मैं आलू लहसुन प्याज कई चीज़ों के त्याग किए हुए हैं, सूर्यास्त के बाद मैं कुछ खाता नहीं, तो इसका एक फ़ायदा ये कि मुझे प्रदेश के और कॉन्स्टिट्यूंसी के पास में रहता हूँ, तो किसी न किसी कार्यकर्ता के घर पर भोजन करने का अवसर मिलता है, उस परिवार के साथ आत्मीय संबंध बनते हैं, वहाँ के उस परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, सब सदस्यों से परिचय होता है, तो इन चीज़ों का मुझे कहीं कहीं मेरे स्वास्थ्य को भी और मेरे संपर्कों में ही बढ़ावा होने का एक कारण बना है। चुनाव में एक मैनेजमेंट बड़ी चीज़ होती है, तो आपका कोई प्रेरणा स्रोत जिससे आप मैनेजमेंट का गुण लेकर के उसी को आगे लेकर के आपने किया वो सारा? देखिए, मैं सोचता हूँ जिस आदमी को जो जिम्मेदारी मिली है उसका अगर ईमानदारी से वो निर्वहन कर ले तो निश्चित रूप से हर काम में फतेह मिलती है। तो ये मैंने देखा है कि यहाँ जिस कार्यकर्ता को, जिस पदाधिकारी को जो काम दिया है, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत कर्तव्यपरायणता के साथ उन्होंने उस जिम्मेदारी को निर्वहन किया है, और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। सर, कर्नाटक के अंदर एक हनुमान वाला बड़ा मुद्दा छाया था, तो यहाँ पर भी क्या मानते हैं कि ऐसा कोई मुद्दा बन पाया? दूसरा, जो एक मैनेजमेंट का जो आपको बताया जाता है, कहीं ना कहीं आप भी प्रेरित हैं हनुमान से, तो क्या मैनेजमेंट में उसका कोई मानते हैं आपके इसमें जीवन में? देखिए, बालाजी हमारे आराध्य देव हैं, हमारे देखें तो मैनेजमेंट गुरु भी हम कह सकते हैं, कि उन्होंने जिस प्रकार से अच्छे मैनेजमेंट से, उनके कुशल प्रबंधन से, दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने रावण की लंका को बिठा दी थी, जो अपने आप को त्रिलोक विजेता मानता था, अहंकारी थे, तो यहाँ भी अहंकार आ गया कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही योग्य हूँ, बाकी सब नकारा है, निकम्मा है। तो ये अहंकार कि मैं ही सब कुछ चलाता हूँ, मैं ही सारी